हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैंडिडेट के टूर्नामेंट शुरू हो चुके हैं और फर्स्ट राउंड में सभी मैच जो है ड्रॉ रहे। आज हम लोग हमारे इंडिया के दो अच्छे प्लेयर्स विदित गुजराती और गुकेश के बीच का मैच देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हालांकि ये गेम भी ड्रॉ हुआ है बट काफी अच्छा खेला है दोनों ही प्लेयर्स ने और फर्स्ट राउंड में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। सो इस हिसाब से भी ये रिजल्ट काफी अच्छा रहा बट देखते हैं कि यहाँ पर कैसे खेला है दोनों प्लेयर्स ने और आगे की तैयारी इनकी कैसी रहेगी। यहाँ पे शुरुआत की है, व्हाइट सीट गुकेश खेल रहे हैं और ब्लैक से खेल रहे हैं विदित। d4 से शुरुआत की है, d4 देन d5 c4 और क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड यहाँ पर खेला गया है। सो यहाँ पर तराश डिफेंस से शुरुआत की है विदित ने, जो कि एक सरप्राइजिंग मूव है। नॉर्मली ये स्लाव सेमी स्लाव खेलना पसंद करते हैं और काफी अच्छे एक्सपर्ट हैं इसमें। देन e3, दोनों ही प्लेयर संभल के खेलते हुए Nf6, Nf3, Nc6, सब कुछ ओपनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। सबसे बेस्ट मूव जो है चूज कर रहे हैं दोनों ही प्लेयर। देन a6, कोई भी किसी को चांस नहीं देना चाहता, सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। और यहाँ पर जो है वाइट ने शुरुआत की है थोड़ी सी पोजीशन को कॉम्प्लिकेट करने की, d into c5, देन बिशप इंटू c5, b4, क्वीन साइड में थोड़ा सा स्पेस गेन किया है। आप देख सकते हैं कि 2 vs 3 यहाँ पर खेलने के लिए मिलेगा। सो बिशप d6 ध्यान रखा है किंग साइड में और सेंटर के पॉन को पुश कर सकते हैं। रुक a2, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव है और ये रुक शिफ्ट हो सकता है डी और सी फाइल में बिना किसी रिस्क के। Ne5 कुछ एक्सचेंज करने की प्लानिंग है और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रुक d2 आने की प्लान चल रही है, तो रुक d2 ही इन्होंने खेला है। Nf3 देन Gf3, बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल रहे हैं, बहुत रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दारोमदार जो है d5 वाले पॉन पर है कि इसे अब मारा जाएगा और इसे कैसे बचाएंगे। सो कैसल किया इन्होंने, पॉन सेक्रीफाइस कर दिया है बट इसलिए इसे नहीं मारा गया है ताकि, क्योंकि किंग सेंटर में कैसल करना बहुत जरूरी था दोनों ही प्लेयर्स के लिए। और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कंटिन्यू हो गया। a5 इन्होंने खेला है, देन c into d5। फाइनली एक छोटी सी इनएक्यूरेसी हुई, c5 इन्हें यहाँ पर चूज करना चाहिए था। c5 मूव दिया गया है, c5 देन बिशप e5 देन बिशप d3, इस तरीके से गेम को कंटिन्यू करना चाहिए था। देन b6 c6 और ऐसी पोजीशंस में थोड़ा सा रिस्क रहता है बट फाइनली इन पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे गेम कंटिन्यू हुआ। गेम में c into d5 खेला है और गुकेश ने एक छोटी सी मिस्टेक की है इस पर कंप्यूटर, बट ऐसा लगता नहीं है, पोजीशन मोर और लेस इक्वली है। सो e5 इस पोजीशन को ओपन होने देना अच्छी बात नहीं है और पूरा प्रेशर जो है यहाँ पर डाला हुआ है d4 a3 एंड c3 वाले नाइट पर, जब ये पोजीशन ओपन अप होगी। सो Nb5 इन्होंने खेला, मारा है a into b4, Nb6, Qd6। व्हाइट के पास 2 बिशप भी हैं बट व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब है और किंग भी अभी तक सेंटर में ही है। सो Nb4, Qd4, फाइनली मटेरियल जो है इक्वल हुआ। व्हाइट के पास एक असेट है, दैट इज द ये d6 वाला d वाला पॉन जो कि पास है, बट प्रॉब्लम ये है कि किंग सेंटर में अभी भी रखा हुआ है। सो Qc2 बहुत संभल के खेलना होगा व्हाइट को यहाँ पर। देन बिशप g4, यहाँ पर काफी रिस्क लिया है इन्होंने और इस मूव में काफी ज्यादा नुकसान इनको हो सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे ड्रॉ के लिए सहमत हो गए हैं वर्चुअली, इसीलिए शायद ये मूव खेली गई है। आइडिया इसका ये है कि जैसे ही आप इसे मारेंगे सो Ne4 आ रहा है इस d2 पे प्रेशर डालते हुए, बाद में रुक a2 भी आ सकता है b2 पे प्रेशर डालते हुए, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन हो सकती है। इसीलिए जो है दोनों प्लेयर्स ने बड़ा सेफ खेला और यहाँ पर बिशप c3 queen a3 इस तरीके से बार बार 3-4 रिपीटेशन हो गया और 21 मूव्स में ही ये गेम ड्रॉ हो गया है और एक अच्छा रिजल्ट कहा जाएगा फर्स्ट राउंड के हिसाब से। और देखते हैं कि अब सेकेंड राउंड में भारतीय प्लेयर्स कैसा करते हैं। एक और प्लेयर प्रगनंदा और फिरोजा का गेम भी ड्रॉ हो गया है, दोनों ही वर्ल्ड के जाने माने प्लेयर हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट राउंड का अपडेट भी हम लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।